नमस्कार दोस्तों, मैं स्पीड अनुराग सर में आपका स्वागत है और हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज चला रहे हैं। कल हमने बताया था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, बल्कि जो नाउन और प्रोनाउन रहेगा वो 123/7 के अनुसार बदल जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए यूजफुल चैनल रहेगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट भी साथ में रहे, जैसे अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट भी रहता है तो हम सेज को से को हम टेल में और सेज को हम टेल्स में बदल देंगे। याद रखिएगा, अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी से रहेगी तो वो टेल में बदल जाएगी और अगर सेज रहेगा तो हमारा टेल्स में बदल जाता है। जैसे देखिए, हम बताते हैं, लिखा है कि सी सेज टू मी यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। जैसा कि हमने कहा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ध्यान समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि टेंस नहीं बदलेगा, बल्कि जो है जो हमारा वर्ब है ये सब जो है बदलेगा, केवल टेंस नहीं बदलेगा। तो दिया गया है सी सेज टू मी यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तो क्या हो जाएगा सी सेज। अब मैंने कहा कि से को टेल में और सेज को टेल्स में बदल देंगे, तो सी टेल्स मी, तो सेज टू को बदलना है, ध्यान दीजिएगा। और सी टेल्स मी कामय लड़का हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। यू यू हमारा सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि याद रखिएगा 123/7, यानी कि सेकेंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और ऑब्जेक्ट है मी, मी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आई। फिर हैव, तो आई के साथ हैव ही लगेगा, तो आई हैव फिनिश्ड। फिर देखिए योर लिखा है यहाँ पे, योर हमारा सेकेंड पर्सन है तो जो योर बदलेगा वो यहाँ पे मी के अनुसार बदलेगा, तो मी के लिए क्या हो जाएगा, तो चूंकि आई के साथ माई लगता है इसीलिए यहाँ पे माई वर्क। ठीक, फिर आगे देखिए ही सेज टू हर यू आर कुकिंग फूड, तो ही सेज का हो जाएगा टेल्स हर, कामा इन काम हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। यू सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन इसके अनुसार, तो सी और इज कुकिंग फूड। फिर आगे देखिए यू से टू हिम, तो यू और से टू का क्या हो जाएगा हमारा टेल, तो यू टेल हिम, कामन का हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। वी और आई, वी हमारा फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा यू, तो यू क्या हो जाएगा हमारा दैट, यू आर गोइंग टू सिनेमा। फिर देखिए सी सेज टू मी, तो सी और सेज टू का हो जाएगा टेल्स मी, कामा रिलेटेड काम हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। यू यू हमारा सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि मी, मी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आई, आई और डॉट लिखा हुआ है यानी कि हमारा किसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, तो आई डू नॉट गो देयर। चूंकि हमको टेंस नहीं बदलना है इसीलिए इसीलिए जो है टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे यू टेल हर दैट, कामा इन का हटाने के लिए दैट, यू फिर देखिए हर के अनुसार बदलेगा, तो सी और सी के साथ क्या हो जाएगा डांसेस वे, वह अच्छी तरह से नाचती है। फिर देखिए ही सेज टू का हो जाएगा टेल्स मी और कामा इन काम हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार बदलेगा, तो दैट ही और कैन लिखा है तो कैन ही रहेगा, ही कैन टीच। और यू यू हमारा मी के अनुसार बदलेगा, तो मी का क्या हो जाएगा यू कैन टीच। ठीक, ये चीज है। फिर आगे देखिए एवरीबॉडी सेज कामा इन कामा ही हैज सफर्ड ए लॉट, तो एवरीबॉडी बॉडी टेल्स। ठीक, तो देखिए अब यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, ठीक, तो ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए
अगर हम चाहें तो यहां पे सेज भी कर सकते हैं, तो एवरीबॉडी सेज और दैट ही हमारा थर्ड पर्सन है, इसीलिए चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम लिख लिया जाएगा, ही हैज सफर्ड ए लॉट। फिर उसी तरह आगे देखिए, एवरीबॉडी सेज, तो एवरीबॉडी सेज दैट, उसके बाद वी, आई वी फर्स्ट पर्सन है और आई वी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, एवरी बॉडी के अनुसार बदलेगा। तो जब एवरी बॉडी के अनुसार बदलेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रत्येक व्यक्ति यानी कि वी, ठीक। तो वी मस्ट नॉट बी क्रूएल टू एनी मंथ्स, ठीक। तो ये चीज है, ये आज हमारी जो अगला पार्ट था, आज का पार्ट ये था कि इसमें हमको जो है, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो है टेंस नहीं बदलता है, सेम टू सेम टेंस वही रहेगा, बल्कि 123 बटे सन के अनुसार नाउन और प्रोनाउन में बदलाव कर देते हैं, ठीक। जो हमारा स्टार्ट हो रहा है अब वो कल से हम बताएंगे आपको कि जो है, जो हमारे टेंस का पैसिव वॉइस बनता है वो कैसे बनता है, और अच्छे अच्छे रूल बताएंगे, जिसमें बताएंगे कि इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इंपरेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए तथा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।